वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है, तो देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उनमें ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाएं, ठीक है, तो उसको कैसे बनाया जाता है। देखिए रूल, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर यदि वाक्य में नहीं आएगा तो नॉट लगा देंगे, अगर नहीं ना आए तो नॉट नहीं लगाएंगे। ठीक है, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने इसमें कुछ ऐसे सेंटेंस ले लिए हैं जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। देखिए इन सेंटेंसों को हम करेंगे ट्रांसलेट और आपको हर चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए पहला सेंटेंस हमारा है, वे औरतें 3 दिन से कहाँ जा रही थी। तो उसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या आ गया है, ये कहाँ। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, ये जो हमारा रूल है इसी के अकॉर्डिंग हमारा सेंटेंस बनेगा। सबसे पहले हमने लिखा वेयर, उसके बाद हैड, ठीक है, फिर देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, वे औरतें, तो हो जाएगा दोज वीमेन। ठीक है, ये हो गया वे औरतें हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद लिखेंगे बीन, ठीक है, उसके बाद देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो वर्ब क्या थी, जा रही थी, तो हो जाएगा हमारा गो, इसमें लगा देंगे आईएनजी, गोइंग। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट क्या था हमारा, ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिया गया था। फिर देखिए टाइम, टाइम दिया गया था 3 दिन, तो ये हमारा होता है टाइम ऑफ पीरियड, समयावधि, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, फॉर, फॉर, फिर 3 डेज। ठीक है, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो वे औरतें 3 दिन से कहाँ जा रही थी, सेंटेंस हमारा बन जाएगा वेयर हैड दोज वीमेन बीन गोइंग फॉर 3 डेज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तुम्हें सोमवार से बुखार क्यों हो रहा था। ठीक है, तो देखिए मैं क्वेश्चन वर्ड क्या आया है, ये क्वेश्चन वर्ड आया है, और हो रहा था यानी कि उससे पीड़ित था, ये हमारी हो गई क्रिया, और ये हो गया हमारा बुखार ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा हो गया इसमें तुम्हें, और सोमवार हो गया हमारा टाइम। ठीक है, तो चलिए देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या लिखेंगे, वाई, ठीक है, उसका सब्जेक्ट वाई, उसके बाद क्या लिखेंगे, हैड, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा है यू, वाई हैड यू, उसके बाद देखिए नॉट आया नहीं तो नॉट नहीं लगाएंगे, फिर बीन, ठीक है, उसके बाद देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या है, हो रहा था यानी कि उससे पीड़ित था बुखार से, तो क्या लिखेंगे, सफरिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया। ठीक है, और ऑब्जेक्ट देखिए क्या है, बुखार से, तो सफरिंग फ्रॉम फीवर। ठीक, और टाइम देखिए क्या दिया है, सोमवार, ये हमारा है होता है निश्चित समय, दिन, किसी दिन का नाम या दिन के पहर, ये सब हमारे होते हैं निश्चित समय, फीवर सिंस मंडे, और लास्ट में लगा देंगे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो तुम्हें सोमवार से बुखार क्यों हो रहा था, सेंटेंस हमारा बन जाएगा व्हाई हैड यू बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, पुलिस चोरों का पीछा आधे घंटे से क्यों कर रही थी। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या आया है, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड आया है, सब्जेक्ट क्या है, पुलिस, ठीक है, कर क्या रही थी, पीछा कर रही थी हमारी होगी क्रिया, टाइम क्या दिया है, आधे घंटे से। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, चोरों का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड वाई, उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट पुलिस। ठीक है, उसके बाद देखिए नाट लगाएंगे नहीं क्योंकि हमारे में नहीं आया नहीं है, फिर बीन, फिर वर्ब, वर्ब क्या थी, पीछा कर रहे थे, तो पीछा करने की होती चेज, तो उसमें लगा देंगे आईएनजी, हो जाएगा चेजिंग। ठीक है, पीछा करने की क्या होती है, चेज, उसके पीछे हम लगा दिए आईएनजी, तो हो गया चेजिंग, चेजिंग किसका पीछा कर रहे थे, चोरों का, चेजिंग ऑफ थीव्स, thievs, बहुवचन हो जाता है थीफ की, थीव्स। ठीक है, फिर देखिए टाइम क्या दिया था, आधे घंटे से, ये टाइम ऑफ पीरियड है हमारा, तो यहाँ क्या लगेगा, फॉर, तो लिख देंगे फॉर हाफ एन आवर। ठीक है, और लास्ट में लिख देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, पुलिस चोरों का पीछा आधे घंटे से क्यों कर रही थी, सेंटेंस हमारा बन जाएगा व्हाई हैड पुलिस बीन चेजिंग ऑफ थीव्स फॉर हाफ एन आवर्स, हाफ एन आवर, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यह बूढ़ा आदमी 10 मिनट से क्या कर रहा था। इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या आया है, ये हमारा आया है क्वेश्चन वर्ड,
सब्जेक्ट क्या है, यह बूढ़ा आदमी, और इसमें क्रिया क्या हो रही है, कर रहा था, ठीक है। समय क्या दिया गया है, 10 मिनट, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्या के लिए व्हाट, उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट क्या है हमारा, यह बूढ़ा आदमी, तो लिख लेंगे दिस ओल्ड मैन। फिर क्या लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद, नॉट हमारे में आया नहीं है, फिर लिख देंगे बीन, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी, वर्ब क्या है, कर रहा था, तो करने की होती है डू, इसमें लगा देंगे आईएनजी, डूइंग, ठीक है। फिर समय देखे दिया है 10 मिनट से, तो क्या लिख देंगे फॉर 10 मिनट्स, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यह बूढ़ा आदमी 10 मिनट से क्या कर रहा था, सेंटेंस हमारा बन जाएगा व्हाट हैड दिस ओल्ड मैन डूइंग फॉर 10 मिनट्स, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तुम 2 बजे से हॉकी क्यों खेल रहे थे, ठीक है। इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या आ गया है, ये सब्जेक्ट क्या आ गया है, तुम, ठीक है, और हमारी क्रिया क्या हो रही है, खेल रहे थे, और टाइम दिया है 2 बजे से, ऑब्जेक्ट दिया है हॉकी। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे व्हाई, ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे हैड, ठीक है, उसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम, व्हाई हैड यू, उसका नॉट लगाएंगे नहीं, क्यों नहीं दिया, क्या लिख लेंगे आप, बीन, ठीक है। देखिए उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वर्ब क्या है, खेल रहे थे, तो खेलने की हो जाएगी प्ले, इसमें लगा देंगे आईएनजी, ठीक। और क्या खेल रहा था, ऑब्जेक्ट हॉकी, प्लेइंग द हॉकी, ठीक है। टाइम क्या दिया गया है, 2 बजे से, जो हम 2 बजे हमारा क्या होता है, बजे निश्चित समय, तो लिख लेंगे सिंस 2 o'clock, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो तुम 2 बजे से हॉकी क्यों खेल रहे थे, सेंटेंस हमारा बन जाएगा व्हाई हैड यू बीन प्लेइंग द हॉकी सिंस 2 o'clock, ठीक है, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो आई होप आप लोग को सेंटेंस समझ में आ गए होंगे, अगर सेंटेंस समझ में आ गए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसों की प्रैक्टिस कीजिए, और अगर किसी भी सेंटेंस में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सेंटेंस समझ में आ गए हैं और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप उसका लाभ उठा सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।